हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। रेशियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी पे ये आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आजकल थोड़ा सा कॉमन है, वायरल है, क्वेश्चन भी वायरल हो जाते हैं ना, ये क्वेश्चन हर एक ग्रुप में सेंड हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, इसको समझिएगा ध्यान से। वन ईयर एगो द रेशियो बिटवीन ए सैलरी एंड बी सैलरी वॉज 3:4। एक वर्ष पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट एंड दिस ईयर वॉज 4:5 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। इनकी खुद की पिछले वर्ष से तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। नाउ द टोटल ऑफ देयर सैलरीज इज 41,600। वर्तमान में इनकी आय का योग 41,600 रुपए है। फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए। ए की वर्तमान आय ज्ञात करें, ए की वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक साल पहले ए और बी, वन ईयर एगो, ए की सैलरी और बी की सैलरी 3 और 4 है, यानी कि हमने इसको 3x मान लिया और इसको कितना मान लिया, 4x। ठीक, फिर ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट, एल फॉर लास्ट पी फॉर प्रेजेंट रेशियो कितना है, 4:5, और बी का कितना है, 2:3। ठीक, तो अब इधर x मान चुके हो तो यहां x नहीं मानोगे, एक काम किया हमने, इसको ए के फॉर्म में मान लिया और इसको बी के फॉर्म में मान लिया। ठीक है, अब नाउ द टोटल ऑफ देयर सैलरीज, टोटल ऑफ देयर सैलरीज नाउ यानी कि प्रेजेंट सैलरी की बात हो रही है, तो ये भी हमें पिछले साल की दे रखी है, ये लास्ट ईयर की दे रखी है, केवल और केवल क्या चीज प्रेजेंट की दे रखी है, ये वाला जो कॉलम है वो हमारा प्रेजेंट का है। अगर हमें टोटल सैलरीज पता है प्रेजेंट की, तो यहां से अगर हमें इन दोनों का रिलेशन पता चल जाए, ए और बी की प्रेजेंट सैलरी का रिलेशन पता चल जाए, तो हम दोनों को बांट सकते हैं। यानी कि फाइनली हमें करना क्या है, 5A और 3B का रेशियो पता करना है। A की प्रेजेंट उठाई और B की प्रेजेंट उठाई, तो A की प्रेजेंट 5A है और B की प्रेजेंट 3B है। अगर हमें इनका रेशियो पता चल जाए तो हम आराम से सैलरी को बांट सकते हैं। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान दो कि ये A और B हटेगा कैसे। अगर दोनों जगह ए है तो भी काम चल जाएगा, दोनों जगह बी है तो भी काम चल जाएगा, बट अलग अलग में काम नहीं चलेगा। तो हमें ए को भी हटाना है, बी को भी हटाना है, कैसे हटेगा समझना। ए की यहां पर लास्ट ईयर इनकम कितनी है, 4A। ए की लास्ट ईयर इनकम यानी कि पिछले साल इनकम कितनी थी, 4A। और यहां पे देखो तो ये भी जो ए की इनकम है वो लास्ट ईयर की तो है, तो इसका मतलब 4A बराबर 3x होगा। 4A लास्ट ईयर की इनकम, 3x लास्ट ईयर की इनकम, तो 4A बराबर 3x होगा। तो यहां से A बराबर कितना हो जाएगा, 3/4x। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4x। उसी तरह ये B की लास्ट ईयर की इनकम है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट, तो B की लास्ट ईयर इनकम है और ये भी देखो तो क्या है, B की लास्ट ईयर इनकम, तो इसका मतलब 2B की वैल्यू कितनी है, 4x। जब 2b की वैल्यू 4x है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2x। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझते चलना। अब a की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई, b की वैल्यू भी x के टर्म्स में आ गई, हमने उठा के यहां पे पुट कर दिया, तो 5 × a की वैल्यू 3/4x रख दे, 3, b बराबर 2x कर दिया, 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, रेशियो कितना आ गया, 5:8। ये आया हमारा ए एंड बी का प्रेजेंट का रेशियो, कब का, प्रेजेंट का, क्या आ गया, 5:8। बस कहानी खत्म। ए की प्रेजेंट एज पता करनी थी, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो 5:8 है, तो ए की पता करनी है तो 5/13, और टोटल पोर्शन है कितना, 41600। तो 13 × 39, 2 बचा, 13 × 26, 0 0, तो
तो 32 से 5 मिनट की पढ़ाई करोगे 0 0, 5 10 की 0, कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, आंसर कितना 16,000 रुपए। बात समझ में आ गई अच्छे से? सिंपल से बस ये ध्यान रखना कि ए और बी के पिछले साल की इनकम 3x 4x मान ली, लास्ट ईयर और प्रेजेंट, लास्ट ईयर और प्रेजेंट, तो 4a बराबर 3x होगा और 2b बराबर कितना होगा 4b। कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया, ये हो गया बिल्कुल इसका बेसिक तरीका। यहां से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब बात करें अगर थोड़ा सा जल्दी कैसे करोगे, जल्दी कैसे करोगे, तो हमें प्रेजेंट का रेशियो पता करना है ना, प्रेजेंट का। अब समझो कि ए की जो पिछले साल की इनकम थी वो कितनी थी 3, और बी की जो पिछले साल इनकम थी वो कितनी थी 4। लास्ट ईयर की इनकम 3:4 है, ए की 3 थी तो बी की कितनी थी 4। ठीक, अब यहां से एक बात समझना कि अगर ए की, अब ये जो 4:5 दिया है वो क्या दिया, पिछले साल और प्रेजेंट का रेशियो। तो अगर ए की पिछले साल 4 थी तो अब कितनी हो गई है 5, 4 से 5 हो गई, कितनी बढ़ गई 1/4 यानी कि 25% बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब होता है 125/100। 125/100 का मतलब अगर आपको डायरेक्टली बताया जाए कि इनकम 4 थी तो 5 हो गई, तो बढ़कर 4 से 5 होना यानी बढ़कर 5/4 हो जाएगी, जो भी इनकम रहेगी उसका 5/4 भाग हो जाएगी, तो ये कब की आ जाएगी, प्रेजेंट की। इतना आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलो। 4 थी, ठीक, बी की इनकम 4 थी और जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 2 से 3 हो रही है। 2 से 3 होने का मतलब होता है 50% बढ़ना, और 50% का मतलब होता है 150%। 150% का मतलब कितना होता है 150/100 यानी कि 3/2। तो यहां पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 3/2 यानी कि बढ़कर कितनी हो जाएगी 3/2 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो। फिर से 3 से 3 का 2 to the 4 रेशियो कितना 5:8, जो आपने इतने सारे बवाल करके निकाला था वो आपने एक लाइन में निकाला, ये होता है शॉर्टकट। ठीक, तो फिर से 5 8 13 13 = 41600, 1 = 13 × 39 3200, 5 = 16,000 रुपए आंसर हो गया। अब समझ में आ गया अच्छे से, ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 2% थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पे 3%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमारे ए बी के अलावा सी बी इंक्लूडेड है, यानी कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, बट अब हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से बिल्कुल नहीं करने वाले, हम करेंगे अपने किस मेथड से, जो हम लोगों ने दूसरा मेथड सीखा उससे तुरंत आंसर निकालेंगे। ठीक, जरा क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। 1 year ago द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी सैलरी वॉज 3:4:5। पिछले वर्ष ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:4:5 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट एंड दिस ईयर वॉज 4:5। इनकी खुद की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। नाउ द टोटल ऑफ देयर सैलरीज इज 98,500। वर्तमान में इनकी आय का योग 98,500 है। फाइंड द टोटल ऑफ टोटल सैलरी ऑफ बी एंड सी, बी तथा सी की कुल आय ज्ञात करें। तो कैसे करना था, देखो भैया जो लास्ट ईयर की इनकम दे रखी है उसका रेशियो कितना है 3:4:5, और ये सम कब का दिया है प्रेजेंट का, तो हमें प्रेजेंट ही तो पता करनी है, यही तो खेल है पूरे क्वेश्चन का, है कि नहीं। तो प्रेजेंट कैसे निकालोगे, पिछले साल ए की इनकम कितनी थी 3, पिछले साल ए की इनकम कितनी थी 3, और ए की इनकम जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 4:5। 4:5 का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 5/4, बढ़कर कितना हो रहा है 5/4 हो रहा है ना। ठीक, 4 से 5, 25% बढ़ना, 125/100, 5/4, वहां से भी कर सकते हो। फिर बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी है 4 रुपए, और बढ़ कितनी रही है 2:3, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 3/2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा। फिर बात करें सी की सैलरी की, तो सी की सैलरी थी कितनी 5, 3 से 4 बढ़ रही है यानी कि 33 और 1/3% बढ़ रही है, और 33 और 1/3% अगर 100 में बढ़ाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से। इतनी बात समझ में आ गई है, तो सब कुछ समझ में आ गया। सिंपल सा काम, पिछले साल की
इनकम लिखनी है 3, 4, 5। अब पिछले साल से इस साल बढ़ी कितनी है वो रेशियो का रिलेशन आपको दे रखा है। 4:5 का मतलब होता है 4 से 5 हो गई, 1/4 बढ़ गई। और कोई चीज अगर 1/4 बढ़ती है तो उसे बढ़ाने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 1+1/4 यानी कि 5/4। बहुत सारे तरीके बताए जा सकते हैं, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इवन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोगों ने किया हुआ। फिर 2 से 3 हो गया यानी कि 1/2 बढ़ गया। किसी नंबर में 1/2 बढ़ा होगी तो वो कितना हो जाता है, बढ़कर 3/2। 1/3 बढ़ाना है, 3 से 4 हो रहा है तो 1/3 बढ़ाना है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 4/3। ये सारी चीजें तो बताई जा चुकी है ना। अब निकाल लो रेशियो, इसमें आप कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते तो ऊपर कितना हो जाएगा, 15/4 ही रहेगा। अनुपात 2×2=4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6। अब ये कितना हो जाएगा, 20/3। कोई परेशानी नहीं। एलसीएम कितना हो गया, 12। 4×3=12, 15×3=45। अब यहाँ पे तो अकाउंट में कुछ है नहीं तो ऊपर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 72। 3×6=12 और ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो ए बी सी की जो प्रेजेंट सैलरी यानी कि वर्तमान आय है उसका अनुपात कितना है, 45:72:80। ठीक है, रेशियो निकलना है तो सिर्फ डिवाइड बाई तो 3 से 5 से ना किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यही रेशियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो ना। पूछा गया बी तथा सी की कुल आय, तो बी और सी की कुल आय निकालोगे तो 80 में 72 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 152 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 152 में 45 और ऐड कर दो तो 197 पार्ट। ठीक, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9,8,500। ठीक, 19×95=7×35, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, कितनी बार जाता है, 500 बार। लास्ट में 2 जीरो मुफ्त के, 5×2=10 कैरी 1, 5×5=25 और 1×26=6 कैरी 2, 5×1=5, 2×7 आंसर कितना आ गया, 76,000। तो ये आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया इस मेथड से। अगर आप एक्स ए बी सी मानते तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक।